हेलो दोस्तों, तो आज हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक कौन सा है? एंडोमॉर्फ बॉडी। अब एंडोमॉर्फ बॉडी वाले स्ट्रक्चर के होते हैं। एंडोमॉर्फ बॉडी में क्या होता है कि कूलों के साइड पे जो फैट ज़्यादा जमा हुआ हो, नेक के पीछे जमा हुआ हो, तोंद निकली हो, वो आते हैं एंडोमॉर्फ अपने। अब इनके कई कारण हो सकते हैं। कारण नंबर एक, ये बाय जेनेटिकली हो सकते हैं। कारण नंबर दो, आपका ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा फूड खाना, जंक फूड खाना, ये भी एक कारण हो सकता है। आपकी लेजीनेस, ये भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इनको कौन कौन सी डाइट खानी चाहिए और कैसा कैसा वर्कआउट करना चाहिए। तो आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, एंडोमॉर्फ बॉडी वाले क्या क्या वर्कआउट करें, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने अपने ट्रेनर से पूरी सलाह करनी है। अगर आपकी बॉडी का एंडोमॉर्फ है और अगर आप बिना अंदाजे के वॉकआउट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है। आपके लिए पहले सबसे जरूरी है स्टेमिना बनाना। अब कार्डियो फिजिकल एक्टिविटीज में आप क्या कर सकते हैं? सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉगिंग, स्विमिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वो जल्दी से जल्दी आपका साइड का चर्बियों का फैट कम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बाकी एक्सरसाइजों से ज़्यादा बढ़ाता है और आपका फैट भी जल्दी बर्न करता है। अब आते हैं हम जिम की तरफ। अब जब जिम का आप वॉकआउट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप स्टेमिना बिल्डअप कीजिए, उसके बाद आप कंपाउंड वेट्स की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें। अब जैसे कि ये सब आते हैं कंपाउंड वेट्स में। अब कंपाउंड वेट्स में क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो जोर है वो बाकी एक्सरसाइजों से ज़्यादा लगता है और इस माध्यम से आपकी जितनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, आपका फैट भी उसी माध्यम से बहुत जल्दी से बर्न होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो डाइट के मामले में आते हैं। डाइट के मामले में ना, एंडोमॉर्फस में ये और ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। एंडोमॉर्फस बॉडी वाले सबसे पहले अपने डाइटिशियन से, अपने ट्रेनर से सलाह करें कि उनको कौन कौन सा फूड खाना चाहिए और कौन कौन सा फूड उनके लिए बेहतर है। क्योंकि एंडोमॉर्फ बॉडी वाले अगर कुछ कम कैलोरीज वाला फूड भी लेते हैं तो उनके बुरे असर उनको ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम क्या क्या खाना चाहिए। अब सबसे पहले बात रूटीन वर्क में, जैसे आप दाल खा सकते हैं बॉयल, आप चने खा सकते हैं, काले चने खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, लेकिन इन सबको आपने बॉयल फॉर्म में खाना है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं हरी सब्जियां। अब हरी सब्जियों में ये ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी आपको ये दिखाई दे रही है, आप ये खा सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और आपका जो एंडोमॉर्फ बॉडी है इसके लिए भी ये लाभदायक रहेगी। अब कई लोग होते हैं वो नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। अब ये चीज़ें हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग जैसे फिश, ग्रिल फिश, ये आप खा सकते हैं। नंबर अगर सेकंड पे आते हैं तो आप चिकन ब्रेस्ट, चिकन विंग्स, ये आप खा सकते हैं, लेकिन इन सबको भी बॉयल्ड फॉर्म में खाना है। बॉयल्ड एग्स आप खा सकते हैं। इनके साथ साथ अपने ट्रेनर के साथ अपनी डाइट के बारे में और अपने वर्कआउट के बारे में जरूर रोज़ का रोज़ आप सलाह करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पे भी फिटनेस टिप ले सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, कैसे और क्या करनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड ब्रो।